नमस्कार मित्रों जय माता दी जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और उनसे भी ज्यादा आज के इस ज्ञानवर्धक खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों हो जाइए सावधान क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर उलटी गंगा बहने वाली है जी हां दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले नहीं रुकेगा बेटा ये है आपकी किस्मत ध्यान से देख लो अब दुनिया को दिखाने का समय आ गया है दुनिया वालों को दिखा दो अपनी औकात क्योंकि यह समय कोई मामूली समय नहीं है यह समय तरक्की का समय है इतिहास रचने का समय है जी हां बता दे कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक गंभीर और विचित्र घटना के बारे में जी हां ऐसी घटना आप अपने जीवन में आज तक नहीं देखे होंगे क्योंकि जो बड़ी घटना अगले 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में घटित होने वाला है यह घटना सबको हिलाकर रख देंगे सबका होश उड़ा देंगे जी हाँ क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर पांच बड़े परिवर्तन आपकी राशि वालों की कुंडली में दिखाई देने वाला है जी हाँ समय बहुत कम है और खुशखबरी बहुत बड़ी है बता दे कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर सोने का मुकुट आपके सर पर चढ़ेगा एक प्रकार से यूं कहें कि सोने का तक आपके सर पर होगा जी हाँ आप जो भी सुन रहे हैं बिल्कुल सही सुन रहे हैं किस्मत चमका देंगे हर काम बना देंगे बस आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करना और ना ही स्किप करना दोस्तों बता दे कि बधाई देने वालों का मेला लगेगा क्योंकि आपके परिवार में एक साथ पांच बहुत बड़ी भयंकर खुशखबरी दस्तक देने वाली है अब आपके सारे दुश्मन जल जल कर भस्म हो जाएंगे इसलिए देर मत करो जल्दी से आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लो क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं जो भी आपके मन में कंफ्यूजन चल रही है वह सभी कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं जी हां दोस्तों देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से रातों रात होगी पैसों की बारिश जी हां बस आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना लेकिन उससे पहले ही देवों के देव भगवान महादेव जी के और माता रानी पार्वती जी के जितने भी सच्चे भक्त हैं मेरी उन सभी लोगों से दोनों हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में तीन बार हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव प्रेम से लिख देना आपके जन्मों-जन्मांतर की गरीबी और समस्या खत्म हो जाएगी तो आप जरूर लिखना मेरे प्यारे मित्रों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है जी हां जो कि आपकी परिवार में मातम छा जाएगा दोस्तों बता दे यह घटना आपके पापों का फल होगा जो कि यह फल देवों के देव भगवान महादेव जी और न्याय के देवता भगवान शनि देव जी के द्वारा दिया जाएगा इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों सावधान रहिए सतर्क रहिए यदि आप अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं तो फिर न्याय के देवता भगवान शनि देव जी के प्रकोप से आप नहीं बच पाओगे और यदि बुरे कर्म नहीं किए होंगे आप अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होंगे तो फिर तैयार रहना आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप हो जाओगे जी हाँ क्योंकि सितारों के द्वारा हमें यह संकेत मिल रही है कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप माला माल हो जाओगे जी हाँ क्योंकि सितारों के द्वारा हमें यह संकेत मिल रही है कि आने वाले अगले चौबीस घंटे के अंदर आप माला हो जाओगे जी हाँ क्योंकि सितारों के द्वारा हमें यह संकेत मिल रही है कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप मालामाल हो जाओगे जी हाँ क्योंकि सितारों के द्वारा हमें यह संकेत मिल रही है कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप माला माल हो जाओगे जी हां क्योंकि सितारों के द्वारा हमें यह संकेत मिल रही है कि आने वाले अगले चौबीस घंटे के अंदर आप माला माल हो जाओगे जी हां क्योंकि सितारों के द्वारा हमें यह संकेत मिल रही है कि आने वाले अगले 24 24 घंटे के अंदर आपकी राशि वालों के जीवन में दो प्रकार की घंटी बजने वाली है जी हां, एक खुशियों की घंटी होगी और दूसरा दुखों की घंटी होगी अब यह सवाल उठता है कि आपके जीवन में कौन सी घंटी बजने वाली है जी हां और अगर आप यह जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बड़ी घटना आपके दुश्मनों के लिए बहुत बड़ी सजा साबित होने वाली है बता दें कि न्याय के देवता भगवान शनि देव जी बुरे कर्म करने वालों को कभी बख्शते नहीं है और अच्छे कर्म करने वालों को फल दिए बिना मानते नहीं है दोस्तों बता दें कि अब आपके दुश्मन ऐसी बुराई में फंसने वाले हैं जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा और ना ही कभी फंसे होंगे इसलिए मेरे प्यारे मित्रों यह बड़ी घटना सच में बहुत ही गंभीर है ध्यान रखें कि अच्छे कर्म करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है और बुरे कर्म करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है जी हां क्योंकि यह बात गीता में भी साफ शब्दों में लिखा गया है कि बुरे कर्मों का बुरा ही फल मिलता है और यह फल आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप लोगों को मिलने वाला है इसलिए बुरे कर्म करने वालों अभी भी सावधान और सतर्क हो जाइए क्योंकि अभी भी ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है लेकिन अगर ऐसा ही लंबे समय तक चलता रहा तो फिर अपने कर्मों के मार से बचना बहुत मुश्किल होगा जी हाँ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऊपर वाले देवी देवताओं के आशीर्वाद से ही यह सब होता है मेहनत करने वाले और अच्छे कर्म करने वाले लोगों को कभी भी बड़ा फल नहीं मिलता है और ना ही कभी निराशा हाथ लगती है अगर आप गलत काम करोगे तो न्याय के देवता भगवान देव जी का प्रकोप झेलना पड़ेगा और मेहनत का फल भी नहीं मिलेगा मेरे प्यारे मित्रों जब न्याय की देवता भगवान देव जी नाराज होते हैं तो भाग्य और किस्मत खुलती नहीं है और बार बार परेशानियां आती हैं। घर में आर्थिक संकट और लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगते हैं इसलिए मेरे प्यारे मित्रों कोई भी ऐसा पाप कर्म न करें जिससे कि दूसरों को नुकसान पहुंचे यदि आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है तो आप उसे जवाब देने का प्रयास न करें और ना ही बदला लेने का सोच विचार रखें क्योंकि ऊपर वाले सब देखते हैं ऊपर वाले की न्याय की चक्की जरा धीमी जरूर चलते हैं लेकिन पिस्ते बहुत ही बारीकी से और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऊपर वाले के लाठी जब पड़ती है तो दिखाई नहीं देती है लेकिन चोट बहुत ज्यादा लगता है जी हां और ऊपर वाले ईश्वर किसी भी रूप में आपको दंड दे सकता है मेरे प्यारे मित्रों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि असहाय और गरीब लोगों के साथ कोई खड़ा रहे या ना रहे लेकिन ऊपर वाला ईश्वर जरूर खड़ा रहते हैं और मेरे प्यारे मित्रों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब वह समय आ चुका है जो कि अब आपका दुश्मन बर्बाद होने वाला है कि पूरी तरह से तबाह होने वाला है क्योंकि उन लोगों ने आपके साथ बहुत दुष्कर्म किए हैं और आपको बहुत ज्यादा परेशान किए हैं लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी बदला न्याय के देवता भगवान देव जी लेने वाले हैं जी हां और बता दे कि न्याय के देवता भगवान देव जी अब आपकी कहानी दूर करने वाले हैं और आपके दुश्मन अपने ही कर्मों की वजह से बर्बाद होगी कहते हैं ना कि आपकी ही कर्म आपको बर्बाद करती है या फिर आबाद करती है इसलिए मन खराब हो तो अपने मुख से शब्द खराब ना निकले क्योंकि कुछ समय बाद मन तो ठीक हो सकता है लेकिन मुख से निकल गया गलत शब्द कभी ठीक नहीं हो सकता और बाद में यह आपके लिए परेशानी खड़ी कर देती है जी हां अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा जी गुरु जी आप बिल्कुल सही बोले आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा राज उजागर होने वाला है जी हां और आपको दो बड़े सच पता लगने वाले हैं जिससे आपकी हाथ पैर कांपने लगेंगे दोस्तों ये समय खुशियों भरा समय है मुस्कुराने का समय है जी हां क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जो बड़ा टहलका आपके जीवन में मचने वाला है इससे आंख में दोनों आंख में खुशी के आंसू ले आएंगे और आपके होठों पर खुशियों की मुस्कान जी हां दोस्तों अपने अपने जीवन में हमेशा सभी का भला चाहा और सभी का भला किया लेकिन बदले में उन्हीं लोगों से आपको बार बार लगातार धोखा मिलता गया और यह आपके साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार लगातार हुआ है चाहे आपके अंदर लाख बुराइयां क्यों ना हो लेकिन एक खूबियां भी आपके अंदर है जिस कारण ईश्वर आपके ऊपर हमेशा मेहरबान रहते हैं हमेशा प्रसन्न रहते हैं और वह है आपकी ईमानदारी आपका स्वभाव जी हां देखिए दोस्तों इस राशि के जातकों के अंदर चाहे कितने भी बुराइयों क्यों ना हो लेकिन एक अच्छाइयां है एक खूबियां हैं और वह खूबियां हैं कि इस राशि के जातक बहुत ही सीधे साधे होते हैं दिल के बड़े ही अच्छे होते हैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता रहे कि लोगों ने आपकी अच्छाई का बहुत फायदा उठाया है लोग अपने फायदे के लिए कई बार आपका नुकसान कर दिए हैं लेकिन फिर भी आप शांत रहे आप एक ही बात बार बार कहते हैं कि जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा आप सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देते हैं इसलिए ऊपर वाले आपके साथ कभी ना गलत करते हैं और ना गलत होने देते हैं जी हाँ आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके दुश्मनों को मिलने वाली है बहुत बड़ी सजा और आपको मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी जी हाँ लेकिन खुद को शांत रखना कहीं पर भी ढिंडोरा मत पीटना नहीं तो फिर आपकी खुशियां दुखों में बदल सकती हैं इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा वैसे तो समय आपके लिए अभी बहुत अच्छा समय है आपके घर में खुशियां जाएंगी क्योंकि अचानक धन लाभ होगा जी हाँ चारों दिशाओं से आपको धन मिलेगा और पांच बड़ी खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए कोई भी शक्ति आ जाए लेकिन फिर भी नहीं रोक सकता आपके जीवन में यह बड़ी खुशखबरी दस्तक देखकर ही रहेगी जी हां करियर कारोबार व्यापार नौकरी और स्वास्थ्य में बदलाव देखने को मिलेंगे क्योंकि शनिशश काल सर्प योग अमृत सिद्धि योग सर्वार्थ सिद्धि योग दो राजयोग और यह धन योग में काफी बड़ा उलट फेर होने वाला है जिस कारण आपको बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है एकदम हंड्रेड परसेंट सटीक भविष्यवाणी आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आने वाले अगले घंटे के अंदर पांच बहुत बड़ी तूफानी खबर आपको मिलने वाली है आज आपकी इनकम बढ़ेगी कार्य क्षेत्र में लाभ होगा अधूरे कार्यों को पूरा कर पाएंगे मनचाही सफलता मिलेगी धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त होगी लगातार आमदनी की स्रोत बढ़ेगी जो कुछ भी समस्याएं थीं, जो कुछ भी परेशानियां थीं, वह दूर होगी धन प्राप्ति के नए मार्ग खोलेंगे आज नई जॉब की संभावना है नई नौकरी बिजनेस व्यापार करियर कारोबार में विशेष लाभ होगा आज लगातार आमदनी धन की प्राप्ति होगी यदि आप कारोबारी हैं तो कारोबार का विस्तार होगा यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा इसीलिए आप जमकर मेहनत करें और कार्य क्षेत्र में लाभ उठाएं दोस्तों कमरा बिल्कुल खाली हो तभी देखना क्योंकि अब आपकी झोपड़ी महल बनने वाली है जी हां अब आपकी झोपड़ी महल का रूप धारण करने वाला है जी हां मेरे प्यारे मित्रों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है जी हाँ आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं पुरखों का पुश्तैनी खजाना आपको मिलने वाला है दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सौ साल बाद शनिदेव जी हुए क्रोधित अब आप सभी को अपने मेहनत का उचित फल मिलेगा जी हाँ दोस्तों तीन पोटली आज आपको माला माल बना देगी लेकिन दोस्तों जरूरत है आपको उस पहचान करने की जी हाँ दोस्तों और एक बात हम आप सभी को बता दें कि भगवान इनडायरेक्टली किसी को भी मदद नहीं करते हैं और ना ही किसी के घर आते हैं भगवान हमें कुछ संकेत देते हैं अगर इन संकेतों को समय रहते पहचान गए और इसका लाभ उठा लिए तो आप माला माल बन जाओगे नहीं तो आप जो रह जाओगे जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि भगवान शनिदेव जब जब क्रोधित होते हैं तो वे सबसे पहले उनको दंड देते हैं जो एक दूसरे की संपत्ति पर लालच करके अपना कब्जा करते हैं यानी कि दूसरों का हक छीनते हैं बेवजह लोगों को परेशान करते हैं तो ऐसे लोगों को भगवान शनिदेव कभी माफ नहीं करते हैं उनको आज सजा दे या कल दे लेकिन उन्हें सजा देकर ही रहते हैं दोस्तों हम हमेशा से कहते आ रहे हैं और आज भी कहती हैं कि दूसरों का हक कभी भी छीनने का प्रयास ना करें क्योंकि निर्बल और कमजोर लोगों के ऊपर न्याय के देवता भगवान शनिदेव अपना एक नजर हमेशा रखते हैं और एक बात हमेशा याद रखना गलत और छोटे रास्ते शुरुआत में ही अंत हो जाते हैं अगर आपको उड़ान भरनी है आपको बहुत ऊंचाई छूनी है आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा आपको एक नई पहचान बनाना होगा बदल दो उन रास्तों को जिन रास्तों में आपको चलना अच्छा नहीं लगता है बदल दो उन संगति को जिन संगत में रहना आपको अच्छा नहीं लगता है यह जिंदगी एक बार मिली है तो यह जिंदगी आप अपने हिसाब से जो किसी के कहने पर नहीं जिंदगी में कुछ ऐसा काम करो जो कि नाम हो जाए या फिर या फिर नाम ऐसा कमाओ जो कि सुनते ही काम हो जाए एक बात हमेशा याद रखना जो आपका है वो आपका ही रहेगा उस पर कोई अपना हक नहीं जता पाएगा क्योंकि न्याय के देवता शनि देव इंसाफ करने के लिए बैठे हैं जीवन में जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है कभी भी व्यर्थ की चिंता मत करना और हमेशा अपने जीवन में अपने काम से खुश रहना क्योंकि जिस काम से अपना घर परिवार चलता है वो काम कभी छोटा नहीं होता है उसे कभी भी गलत और छोटा मत बोलना जिस दिन से आप उसे छोटा या गलत बोलने लग जाओगे उस दिन से आपके घर में बरकत होना बंद हो जाएगी जी हां आपके लिए सबसे बड़ा भगवान वही है जिस काम से आपका घर परिवार चलता है और एक बात हमेशा याद रखना जिंदगी में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहता है आपके जीवन में दुख है तो सुख भी आएगा और अगर किसी की जिंदगी में सुख है तो दुख भी आएगा क्योंकि यह समय का पहिया घड़ी के कांटा जैसा घूमते रहता है दोस्तों ये दो चीजें आपको अपने जीवन में गांठ बांध लेनी है पहला है किसी भी चीज पर घमंड मत करना और दूसरा है किसी को तकलीफ मत देना क्योंकि यह दोनों चीजें भगवान के बही खाता में तुरंत लिखा जाता है इसलिए यह दोनों काम करने से पहले इसके परिणाम के बारे में जरूर सोच लेना आगे वीडियो और भी गंभीर होने वाली है आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे शनिदेव आज आपको क्या क्या लाभ देने वाले हैं किन किन क्षेत्रों में फायदे होंगी और किन किन क्षेत्रों में सावधान भी रहने होंगे सभी बातें आपको विस्तार से बताएंगे बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसा चमत्कार होगा जो कि देखने वाले भी कहेंगे अरे वाह आप ही का तो नसीब है जी हां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि भगवान के घर देर है परंतु अंधेर नहीं भगवान के पास जाकर सच्चे दिल से मांगने से सब कुछ मिलता है कौन कहता है इस दुनिया में भगवान दिखाई नहीं देता है हम कहते हैं इस दुनिया में केवल भगवान ही तो है जो दिखाई देता है बाकी यह सब मोह माया है जो इंसान भगवान के ऊपर विश्वास करके सच्चे दिल से मानता है तो उन्हें भगवान दिखाई भी देता है और उनकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं इस दुनिया में अगर दिल लगाना है तो अपने ईश्वर से लगाओ और मां बाप से दिल लगाओ क्योंकि यह दोनों ही ना ही कभी धोखा देंगे और ना ही अकेला छोड़ेंगे पर एक बात हमेशा याद रखना भगवान उन्हीं को दिखाई देता है जिनके मन साफ होता है और जो किसी के प्रति बुरा नहीं सोचता है और ना ही बुरा करता है पर एक बात हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आप जिसको भला करोगे वो आपके प्रति बुरा ही सोचेंगे क्योंकि यही प्रकृति का नियम है लेकिन आपका भला करने वाला ऊपर वाला भगवान बैठे हैं और वो सब कुछ देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं और आपके साथ क्या हो रहा है अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको चुपचाप रहना है और सब कुछ भगवान पर छोड़ देनी है क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं दोस्तों आपकी जिंदगी में क्या क्या होगा वह आपको किसी कोने में बैठकर चुपचाप देखना है भगवान हमारे साथ क्या क्या खेल खेल रहे हैं क्योंकि दोस्तों जब परमात्मा का खेल शुरू होता है तो वहां हमारी और आपकी नहीं चलती है हमें चुपचाप बैठकर देखना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो आगे और भी गंभीर होने वाली है सब कुछ विस्तार से बताएंगे आज की वीडियो बहुत ही खास है महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर खास आपके फायदे के लिए बनाई गई है अनुरोध है अंत तक देखिएगा दोस्तों खुशखबरी सुनकर सीना आपका छप्पीस इंच का होने वाला है क्योंकि कर्म फल दाता भगवान शनिदेव ने आपके लिए तीन गुड न्यूज भेजे हैं जी हाँ दोस्तों और एक बात हम आप सभी को बता दें कि भगवान जब भी दे तो छप्पर फाड़ के देते हैं लेकिन याद रखना वो लेते भी हैं तो पूरा घर खाली कर देते हैं जी हाँ आपके अच्छे कर्मों से मेहरबान होकर भगवान शनिदेव आपको सब कुछ दे रहे हैं तो आपसे कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए इस बात का आपको ध्यान रखकर इस मौके का फायदा आपको उठाना चाहिए जी हाँ उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखनी होगी तभी आप इन सभी शुभ अवसरों का लाभ उठा पाएंगे क्योंकि दोस्तों आप कभी कभी वीडियो को स्कीप कर देते हैं या वीडियो को आधे अधूरे में छोड़कर चले जाते हैं इससे दोस्तों नुकसान यह होता है कि आप इस मौके का और इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाते हैं और बाद में कहते ही हमें कुछ तो मिला ही नहीं अगर आप इन सभी शुभ अवसरों का लाभ उठाना चाहते हैं तो वीडियो में बताई गई हर एक बातों को गहरी तरीके से सुनिएगा और समझिएगा कुछ उपाय भी हम बताएंगे जो कि आपको करना है उस उपाय में आपको कोई पैसा कोई पूंजी नहीं लगाना है सिर्फ आपना थोड़ा सा समय लगाना है फिर देखिए आपकी किस्मत की उड़ान सबसे पहले माता रानी की सभी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी प्रेम से जय माता दी लिखेगा उन्हें माता रानी के साथ साथ गुरु जी का भी आशीर्वाद मिलेगा तो आप जरूर लिखिएगा आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक अनमोल विचार से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पैसा एक ही भाषा बोलता है कि अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो मैं कल तुम्हें बचा लूंगा ऐसा कहता है भले नहीं तुम्हारे साथ ऊपर तक नहीं जाऊंगा पर मैं जब तक तुम्हारे साथ रहूंगा मैं तुम्हें दुनिया से सबसे ऊपर लेकर जाऊंगा इसलिए पैसा बचाना सीखिए कमाता तो हर कोई है लेकिन उसे रखना कैसे है यह हर कोई नहीं जानता है समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कहिएगा सही बोले गुरुजी आइए जानते हैं आज वह कौन सी तीन बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों सबसे पहला गुड न्यूज है जिन विद्यार्थियों ने कोई कंपटीशन में भाग लिया था या एग्जाम वगैरह दिया था तो वहां से उनके लिए शुभ समाचार यानी कि गुड न्यूज मिल सकता है और दूसरा खुशखबरी शादीशुदा जोड़ों के लिए है जो जातक शादी के बहुत दिन हो गए थे कि घर में छोटे बच्चे के किलकारी संबंधित शुभ समाचार आने की प्रबल संभावनाएं बन रही है जो कि पूरे घर में सभी परिवार में खुशियों की रौनक दिखाई देंगी और तीसरा खुशखबरी है जो जातक कहीं पर नौकरी के लिए आवेदन किया है या फॉर्म वगैरह भरा है तो वहां से उस कंपनी से जुड़े जातकों को शुभ समाचार आज मिल सकती है जी हाँ यह तीन खुशखबरी आने की आज बहुत चांसेस बन रही है आगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा और क्या क्या खुशखबरी है मिलेगी किन किन बातों का आज आपको ध्यान रखनी होगी इस सब कुछ बताएंगे और अंत में हम उपाय भी बताएंगे तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा दोस्तों आज का दिन अनुकूल ग्रह स्थिति है सितारे कहते हैं सफलता मिलनी आज तय है लेकिन कुछ मुश्किलें आज आपके सामने आएगी जिससे आपको पीछे नहीं हटना है अगर आप इन मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ गई तो सफलता आपके कदम चूमेगी सितारे यह भी कह रहे हैं कि बिजनेस कर रहे लोगों को आज कड़वाहट को मिठास में बदलने की कला सीखना होगा तभी वह लोगों से अपना काम निकलवा पाएंगे आज आपको अपने वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा क्योंकि हमारी वाणी हमें रसगुल्ले भी खिलाते हैं तो कभी थप्पड़ भी खिलाते हैं इसलिए जितना हो सके वाणी में मिठास रखें एक दूसरे का दिल जीतने का प्रयास करें तो यह आपके लिए बेहतर होंगे आज आप परिवार में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी तरीके से निभाएंगे और किसी काम को करने में पूरी रुचि दिखाएंगे आज, आज आप जो भी काम पूरी आशा विश्वास के साथ करेंगे पूरे मेहनत से करेंगे तो उस कामों में आपको अपना मेहनत का पूरा पूरा फल मिलेगा दिन आपके लिए अच्छा रहेगा व्यापारियों के लिए आपने व्यापार में अच्छा धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि सितारे कहते हैं कि आज आप किसी नए घर मकान दुकान आदि खरीदारी कर सकते हैं लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि पेपर वगैरह पूरी तरह से मौजूद रखें आपके लिए बाद में कोई समस्या ना बन जाए इस बात का जरा ध्यान अभी से ही रखना होगा आज आप जो भी बड़ा काम करें तो उसे लिखित में करें इसके उपरांत आपकी जो समय होंगी, ध्यान दें। यदि आपने पहले किसी से धन उधार लिया था तो वो आज आपसे वापस मांगने आ सकता है उनसे आपको अच्छे से बातचीत करनी होगी नहीं तो सितारे यहां पर संकेत दे रहे हैं कि बात विवाद हो सकता है आज आप नए दोस्त बना सकते हैं और नए काम हाथ में ले सकते हैं हमेशा की तरह अपने आप में यकीन बनाए रखें इससे आप अपने लिए हर तय मंजिल तक पहुंच पाएंगे भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए बहुत अच्छा समय है लेकिन वित्तीय स्थिति का ध्यान रखें जरूरत पर डी एचने पर ही खर्च करें आप काम के पीछे इतने पागल हैं कि कई बार तो अपनी उपलब्धियों पर खुश होना भी भूल जाते हैं इन से खुशी महसूस करने के लिए एक बनाएं और उनके उत्तर ढूंढें। प्रश्न इस तरह के हो सकते हैं क्या घर में आपके पसंदीदा फल मौजूद हैं क्या आपकी अलमारी में आपके मनपसंद कपड़े हैं इसके बारे में भी सोचें कि आप कैसे दिखते हैं आज आप अपने प्यार के लिए अपने मन को टटोल कर देखेंगे पहले आपके प्यार और रिश्तों में बचपना दिखाई देता था परंतु अब प्रेम और रिश्तों में आपका दृष्टिकोण कहीं अधिक समझदार और परिपक्व हो गया है अब आप में स्पष्ट रूप से यह विचार विद्यमान होगा कि आप इस रिश्ते और अपने साथी से क्या चाहते हैं और बदले में आप उसे कितना दे सकते हैं यात्रा के अवसरों के लिए बहुत ही खुले दिल से स्वागत करें यह धन कमाने का एक बेहतरीन मौका है जो लोग अध्ययन कर रहे हैं उन्हें अप्रत्याशित स्रोतों से अद्भुत अवसर मिल सकते हैं आप जिस भी स्थिति में है आप ये याद रखिए कि एकता में बल है इसलिए सामूहिक प्रयास ही संतोषजनक परिणाम ला सकता है कोई करीबी दोस्त आपको अपना राज्य बताने वाला है आपको उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनकर ही सलाह और सहानुभूति देनी है अपने सभी कार्य रचनात्मक तरीके से करें आप फिलहाल ताकतवर तरीके से कार्य कर रहे हैं और इसका प्रभाव आपके आसपास के सब लोगों पर पड़ेगा। इसलिए आपको सोच समझ कर ही कुछ बोलना और कहना पड़ेगा। कुल मिलकर आपकी सेहत अच्छी ही रहेगी लेकिन आपको बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए अपने शरीर और खाने का विशेष ध्यान रखना होगा। आय अपने खाने में सभी तरह के विटामिन खासकर ए सी और ई e को शामिल करने का विशेष ध्यान रखें जिससे आपकी रोग निरोधक क्षमता बढ़े आई हमेशा आठ से दस गिलास पानी पिए आई से आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और आप स्वस्थ बने रह सकेंगे आई आपको अपने सभी विकल्पों में से सर्वोत्तम ढूंढने में उलझन महसूस होगी तुरंत अच्छे फैसले ले पाना कभी आपकी सहज योग्यता नहीं रही लेकिन आप की बार यह कर पाएंगे सही विकल्प चुनने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना केवल अपने दिल की बात सुननी है इसका सबसे अच्छा तरीका है उसे चुनना जिसका दिल बद्दा है और यह पता लगाना कि जो सिर्फ इसका दिखावा करते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है कुछ वित्त और कैरियर के विभिन्न अवसर आज आपके सामने आ सकते हैं और आप उन्हें लेने के लिए अभिभूत होंगे लेकिन थोड़ा उलझन भी महसूस कर सकते हैं कि किस दिशा में जाए सावधान रहें कि ये अनिर्णय आपको पंगु न बनाए अगर आप सही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो यह पूरी तरह से आपके वित्तीय भविष्य को बदल सकता है त्वरित और निर्णायक कार्रवाई आज के दिन की आवश्यकता है अपने जैसी रुचियों और सत्तासीन व्यक्तियों से साझेदारी बनाने की कोशिश करें कुछ आदमी आपको झूठी आशाएं देने की कोशिशें कर रहे हैं लेकिन आपको फैसले घर खरीदने की सोच रहे हैं अब आप ऐसा कर सकते हैं आपको आज अपनी शारीरिक शक्ति की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए लेकिन आपकी गर्दन और कमर में हल्का दर्द महसूस हो सकता है जिनको पहले कभी कोई चोट लगी होगी या गठिया बाएं से परेशान व्यक्तियों को ज्यादा तकलीफ महसूस हो सकती है इसीलिए आज कोई अधिक शारीरिक मेहनत वाला काम न करें आज आपको आराम करना चाहिए आप हल्का फुल्का योग कर सकते हैं लेकिन आपको ऐसा किसी प्रशिक्षित इंस्ट्रक्टर की देखरेख में ही करना चाहिए पिछले कुछ दिनों से आपके वर्तमान या होने वाले संबंध को लेकर आपके मन में ढेर सारी चिंताएं और संदेह हैं आज सारे संदेह मिट जाएंगे और आप अपने संबंध और अपने पार्टनर के बारे में स्पष्ट होकर सोच पाएंगे आप अपनी लव लाइफ के बारे में अच्छा और स्पष्ट निर्णय भी ले पाएंगे आपकी कड़ी मेहनत और धैर्य की लंबी प्रतिबद्धता का फल आपको मिलने जा रहा है और एक बड़ा अवसर आपके करियर को आगे ले जाने के लिए आपको मिल सकता है अंत आपको अपनी प्रतिबद्धताओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा हालांकि अन्य लोगों के योगदान को याद करें और न भूलें और उनके साथ सदा विनम्र रहे यह न केवल आपको लोकप्रिय बनाएगा बल्कि आपके भविष्य में भी मदद देगा आपका कोई करीबी शायद आपके कारण भावनात्मक उथल-पुथल के दायरे में है आप एकदम से निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और इस बार भी आपने सही से समझे बिना ही इस व्यक्ति पर वफादार न होने का आरोप लगा दिया है आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप पहले शांति से बैठकर सही समय तक का इंतजार करें और अच्छे से सोच लें आज रोड पर छोटी मोटी दुर्घटना होने की काफी आशंका बनी हुई है इसीलिए गाड़ी चलाते हुए या गली पार करते हुए काफी सावधान रहें क्योंकि टक्कर हो सकती है यहाँ तक कि अगर आप सावधान भी हैं तो भी आपको औरों की लापरवाही से चोट लग सकती है इसीलिए रक्षात्मक तरीका अपनाई आज थोड़ी सी अतिरिक्त सावधानी रखने से आप बहुत बड़ी परेशानी से बच जाएंगे आज जो अकेले हैं उनकी किस्मत उनका काफी साथ देगी आपको अपना साथ ही आध्यात्मिक या खेलों से संबंधित जगहों पर मिल सकता है जो पहले से किसी के साथ संबंध में हैं, उन्हें कुछ दिनों के लिए इससे अवकाश लेकर ऐसी चीजों के लिए समय निकालना चाहिए जिसके लिए सामान्यतः उन्हें समय नहीं मिल पाता और जो उनके मनपसंद काम हैं, कभी कभी दो लोगों को एक दूसरे के साथ की कीमत अलग रहकर समझ में आती है आज के दिन आपका दृढ़ संकल्प और आपकी कठोर मेहनत रंग लाएगी ये मेहनत आपके उच्च अधिकारियों को दिखेगी जो कि आपके आगे बढ़ाने के लिए एक माध्यम बनेगी आज के दिन आपका दृढ़ संकल्प और आपकी कठोर मेहनत रंग लाएगी ये मेहनत आपके उच्च अधिकारियों को दिखेगी जो कि आपके आगे, आगे बढ़ने के लिए एक माध्यम बनेगी इस चीज में आपका भाग्य का कम जबकि आपकी मेहनत और लग्न का ज्यादा हाथ होगा यह समय आपके करियर की उड्डन का समय है और आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप इस समय का पूरा सदुपयोग करें आप फिलहाल अपने जीवन की केंद्रीय समस्या को सुलझाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं ऐसा भी संभव है कि आप इसे सुलझाने के लिए अपनी सामाजिक और वित्तीय जिम्मेदारियों से भी छुट्टी ले लें हालांकि आपको यह भी समझना है कि आपके जल्दी मचने से इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा आपको धीरज से काम लेना होगा। आपकी सेहत कुल मिलकर अच्छी ही है लेकिन जैसे जैसे काम के मामले में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी आपको अपने स्वास्थ्य और खाने का और अधिक ख्याल रखना होगा अपने खाने में सब तरह के विटामिन खासकर ए आई और सी शामिल करें इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी कई गिलास पानी भी पिए इससे आप पानी की कमी से बचेंगे और सक्रिय रह पाएंगे प्यार रिश्ते और परिवार अब आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे आज आप अपने बच्चों के साथ कुछ गुणवत्ता समय बिताएंगे आपको यह याद दिलाया जाएगा या एहसास होगा कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है और जिसकी वजह से आप निर्णायक कदम लेंगे जिसने काफी समय से आपको परेशान किए हुए था अपने परिवार के साथ गुणवत्ता समय बिताने के कारण तनाव घटाने में भी आपको मदद मिलेगी जो आपके मन मस्तिष्क पर हावी था आज आपको अप्रत्याशित रूप से खोया धन मिल सकता है जिससे आसानी से आप अपनी सभी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा कर पाएंगे यह आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति को काफी राहत प्रदान करने वाला होगा हालांकि इस धन को बहुत बुद्धिमानी से खर्च करना होगा क्योंकि हो सकता है कि आपका यह धन खत्म या कम हो जाए लेकिन आपके दायित्वों का निर्वाह पूरा ना हो पाए आपको बचत के रूप में कुछ राशि रखनी चाहिए ताकि जरूरत पडीडीडी एच पर वह कुछ काम आ सके इस बात के लिए अधिक सोच विचार ना करें कि अप्रत्याशित घटनाएं क्यों हो रही हैं या बहुत देर क्यों हो रही है ये आपके भले के लिए भी हो सकता है जिसके फायदे अभी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए कुछ नया प्रयोग करें इससे आपको भी अपने रोजमर्रा के नियमित कार्यक्रम से थोड़ी राहत मिलेगी आज आपके पूरा दिन कहुशी अच्छे स्वास्थ्य और सामान्यता बिल्कुल अच्छे मूड में रहने की भावना से भरा होगा आज आपका दृष्टिकोण किसी महत्वपूर्ण चीज की ओर बिल्कुल सही रहेगा आपके फैसले का प्रभाव आपकी मानसिक शक्ति औरों के लिए ईर्ष्या का कारण बनेगी अब समय आ गया है कि आप एक कदम पीछे हटकर शांति से अपने संबंध को तर्क की कसौटी पर भी परखें आप अपने पार्टनर के बारे में मिली किसी सूचना को नजरअंदाज करते आ रहे हैं लेकिन यह जान लें कि ऐसा करने से उसकी अहमियत या प्रभाव खत्म नहीं हो जाएगा आ, अपने संबंध के बारे में विश्लेषण करते हुए आपको उसे भी ध्यान में रखना चाहिए आपको इस समय कुछ कठोर फैसले लेने पर डी सकते हैं छात्रों के लिए यह किसी भी परीक्षा में उतरने लिए एक अच्छा दिन है सफलता आपके साथ है पेशेवरों के लिए आपके कार्यस्थल पर एक सकारात्मक दिन होगा लंबित मुद्दों का हल मिलेगा अगर आपको लगता है कि वेतन वृद्धि के लिए आज का दिन उपयुक्त है तो अपने उच्च अधिकारियों से बात करने का दिन आज अच्छा है आज आप बहुत साहसिक अनुभव कर रहे हैं और अपना रास्ता खुद बनाने के लिए तैयार हैं। आप अपनी इच्छा शक्ति से सब मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर लेंगे आज आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता इसीलिए अपने सभी मुश्किल काम आज करने की योजना बनाएं। सफलता आपके कदम चूमेगी आप काफी संवेदनशील हैं और आपका पाचन तंत्र भी जैसे ही आप कोई ऐसा खाना खाते हैं जो आपके पाचन तंत्र के अनुकूल नहीं होता तो आपका शरीर इसे रिजेक्ट कर देता है आपको इसी कारण उलटी और दस्त हो सकते हैं अगर आप संभले नहीं तो समस्या गंभीर रूप भी ले सकती है देसी स्तर पर तैयार की गई दवाइयां अपनाने की कोशिश करें आपको दूसरे लोगों की लव लाइफ के ड्रामे का हिस्से बनने के लिए मजबूर किया गया है आपको स्पष्ट तौर पर इससे बचना चाहिए और अगर आप नहीं बच सकते तो आपको किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए दोनों विरोधी पक्षों को आप सही सलाह तो दे ही सकते हैं वह बेशक दें अपने लिए कुछ नए और जबरदस्त प्लान बनाएं। आज का दिन एक नए व्यापार उद्यम को लगाने का समय है काफी समय से बात आपके मन में थी परंतु उसे उपयोगिता में नहीं ला पा रहे थे लेकिन आज का दिन इसको पूरा करने का दिन है आपको कई नए अवसर मिलेंगे और सब वैध एवं असली होंगे अगर आप विवेक पूर्ण तरीके से निर्णय लेंगे तो जो भी मुश्किलें आ रही थीं, वे धीरे धीरे लुप्त होती चली जाएंगी